वेलकम टू द कुमार बायोलॉजी क्लासेस। कुमार बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं और इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जा रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो फिर प्रश्न करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस ऑफ इंडेमिक। मतलब बायोडाइवर्सिटी ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन को कहते हैं जहां पर किसी खास तरह का ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, किसी खास तरह का ऑर्गेनिज्म का रिचनेस है वहां पर। अब आया इंडेमिज्म क्या होता है। इंडेमिज वैसे स्पीशीज को कहते हैं जो एक खास तरह के लोकेशन में रहता है। उसे क्या कहते हैं हम, इंडेमिज, वहां छोड़कर और किसी जगह पर नहीं रहता है वो स्पीशीज को क्या कहते हैं, इंडेमिज। अब क्या है, तीन चार टर्म है, और कौन सा है, पहला है, पहला क्या बताए थे हम अभी, इंडेमिज बता दिए। इंडिविज इज ए वेन स्पीसीज आर कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन एंड नॉट फाउंड एवरीवेयर एल्स। मतलब कि वैसा जगह जहां पर एक खास तरह का ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं और वहां छोड़कर कहीं और भी ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जा रहे हैं, वो स्पीसीज नहीं पाए जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, इंडिविज। दूसरा क्या होता है, रेयर। रेयर मतलब क्या, जो दुनिया में कहीं कहीं पाए जा रहे हैं बट वहां भी पाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, ठीक है। तीसरा इन डेंजर्ड। चौथा थ्रेटेंड। अब चार तरह का ऑर्गेनिज्म कहां पाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पर चार तरह का ऑर्गेनिज्म क्यों पाया जा रहा है ना। पहला है इंडेमिज, वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वहीं पाया रहा है उसे क्या कह रहे हैं, इंडेमिज। दूसरा रेयर, रेयर मतलब कि दुनिया में कहीं कहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेयर। तीसरा क्या है, इंडेंजर्ड, वैसा स्पीसीज जो खत्म होने के कगार पर है उसे क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। चौथा थ्रेटेंड, थ्रेटेंड मतलब क्या, कि वो स्पीसीज इंडेंजर्ड में जाना स्टार्ट हो गया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर आल्सो रिक्वायर्ड आल्सो रीजन ऑफ द एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। अब पूछेगा हैबिटेट लॉस क्या है, हैबिटेट क्या है, वैसा ज्योग्राफिकल रीजन, वैसा जगह जहां पर कोई जीव रह रहा है उसका जगह, जब फेवरेबल जगह है वहां पर रह रहा है। बाय द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस, इंटरफेयर ऑफ ह्यूमंस, वो जगह क्या हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, स्पीसीज इंडेंजर्ड हो रहे हैं, इंडेमिज हो रहे हैं, समझ में आया। अब बोल रहा है देयर आर 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन टोटल। मतलब पूरे दुनिया में 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसमें से इंडिया में चार हैं। चारों का नाम है द हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और सुंदरबन। ये चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनता क्यों है, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ का हैबिटेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडेंजर्ड में चले जाते हैं, थ्रेटेंड में चले जाते हैं। तो आशा है कि आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वैसा जगह जहाँ पर कोई खास तरह के स्पीसीज पाए जा रहे हैं जो कि दुनिया में कहीं पाए नहीं जाते हैं, और वैसा जगह जहाँ पर रेयर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और इंडेंजर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडेमिज क्या होता है, इंडेमिज वैसा स्पीसीज जो कि पूरा दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ इसी लोकेशन में पाया जाता है। रेयर दुनिया में कहीं कहीं पाया जा रहा है। इंडेंजर्ड जो खत्म होने के कगार पर है, थ्रेटेंड जो इंडेंजर्ड में जाने के कगार पर है, वैसा स्पीसीज को कहते हैं थ्रेटेंड।
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन क्यों रहा है, जहां पर क्या होता है हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा स्पीड में होना स्टार्ट हो गया। हैबिटेट लॉस क्यों स्पीड में हो जाता है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नहीं समझ में आया तो कृपया कमेंट में करें, नहीं समझ में आया। ठीक है।